लेट्स मेक बकरीद स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुंबई स्टाइल बिरयानी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसके लिए हम रखेंगे कुकर, फिर डालेंगे हम इसमें तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, फिर उसमें डाल देंगे हम प्याज, स्लाइस में करके प्याज डालेंगे और अच्छे से हम इसको गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे हम इसमें, बीच बीच में कहीं जल ना जाए प्याज, अच्छे से चलाएं। इस तरीके से हो जाए तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। फिर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे या कोई बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे गोश्त, कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे मैंने लौंग डाली है, छोटी इलायची डाली है हरी वाली इलायची, साथ में डाला है मैंने इसमें एक स्टार फूल, जावित्री डालेंगे छोटा टुकड़ा एक, फिर डालेंगे हम इसमें काली मिर्च के कुछ दाने, साथ ही साथ इसमें जाएगा बड़ी इलायची जो काली वाली मोटी इलायची होती है, दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, फिर डालेंगे हम इसमें ये सूखा आलू बुखारा। बहुत ही आराम से इजीली ये किराने स्टोर पे मिल जाता है, दो पीस डाले हैं मैंने। साथ में डालेंगे हम इसमें तेज़पत्ता, नमक डालेंगे इसमें हम एक चम्मच। नमक डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें, तेज़ तीखी जैसी भी हो। फिर डालेंगे हम इसमें काली मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला डालेंगे इसमें हम। अब डालेंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल बारीक करके रखा था मैंने। अब डालेंगे इसमें हम पुदीने की पत्ती, इसको भी मैंने चॉप करके रखा था। हरी मिर्ची डालेंगे दो टुकड़ों में काट के। फिर डालेंगे हम इसमें नींबू, नींबू इसी तरीके से दो डाल देंगे, बीजें निकाल देंगे, और डालेंगे आधा नींबू का जूस। दही डालेंगे इसमें दो तीन चमची। अब डालेंगे इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने प्याज रखी थी फ्राई करके वो हम सारी इसमें हल्की सी क्रश करके डाल देंगे, और डालेंगे इसमें ऑयल। बढ़िया से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसमें एक एक बोटी अच्छे से मसाले में कोट हो जाए। फिर रखेंगे कुकर, वही वाला कुकर है, उसमें तेल बचा रह गया था, इसी में सारा हम ये जो बोटियाँ हैं सारी मसाले में लिपटी हुई इसी में कुकर में डाल देंगे। सारी डाल दिए, अब डालेंगे इसमें हम एक टमाटर जिसके मैंने दो टुकड़े करके रखे हैं, दो टुकड़े डाल देंगे, और डालेंगे इसमें हम पानी। तो जिस बर्तन में हमने मसाला बनाया था वही पानी सारा हम धो के कुकर में डाल देंगे, अच्छे से बंद करेंगे, तीन चार सीटी लगा लेंगे और अच्छे से इसको भूंज लेंगे उसके बाद, अगर पानी बचा हो तो। फिर रखेंगे भगोना, उसमें डालेंगे हम पानी, नमक डालेंगे, तेल डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें हम गरम मसाले में तेज़पत्ता और दालचीनी के टुकड़े, बस और कुछ नहीं डालेंगे। ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरीके से बॉयल होने लगे पानी, तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो कि मैंने दो घंटे के करीब भिगो के रखे थे। अच्छे से बॉयल करेंगे और 90% के लगभग इसको हम पका लेंगे। चेक करेंगे अच्छे से चावल गल गया है। अब इसको हम छान लेंगे, पानी सारा निकाल देंगे और भगोने को कर देंगे खाली। फिर उसमें ऐड करेंगे दो तीन चम्मची तेल और आधे चावल डालेंगे जो हमने उबाल के रखे थे, वो आधे डालेंगे। फिर ऐड करेंगे इसके ऊपर से हम यखनी जो हमने कुकर में बना के रखी थी, और जो बचे चावल हैं वो सारे हम इसके ऊपर से एक और लेयर लगा देंगे। अब डालेंगे इसमें हम दूध, तो मैंने कुछ धागे इसमें केसर के भी ऐड करे हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो दूध भी खाली डाल सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें फूड कलर आपके पसंद का जो भी हो, मैंने रेड डाला है। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो फ्राई करके रखी थी मैंने, थोड़ी सी बचा ली थी, और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसमें थोड़ी सी धुआं ना आने लगे। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई थी, इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। इसको बकरीद पे ज़रूर ट्राई करें।